गुड मॉर्निंग, मैं नूरुल इस्लाम। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। माई फादर वॉज ए स्कूल टीचर। माई डियर फ्रेंड्स, मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तब मेरे मन में दो सपना था, एक गुवाहाटी सिटी में घर बनाना और दूसरा सपना था ट्रेवलिंग करते करते इनकम करना। इसीलिए अपना ग्रेजुएशन में जॉब ढूंढा, लेकिन मेरे हिसाब का कोई जॉब नहीं मिला। सो मैं गुवाहाटी में आया, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया। ट्रेडिशनल बिजनेस का साथ साथ दूसरा नेटवर्किंग भी किया, लेकिन वहाँ पे मेरा सक्सेस नहीं मिला। बट इसी दौरान मेरे गुवाहाटी में घर बनाना सपना पूरा हुआ। फॉर्चुनेटली 2011 सितंबर में फेस्टिस के साथ मुझे इंटरव्यूज हुआ। तब फेस्टिस एज ए पार्ट टाइमर ज्वाइनिंग किया, लेकिन फर्स्ट से मैंने तब कोई काम नहीं किया। उसी दौरान मेरे अपलाइन रहमतुल्ला सर ने मुझे बिजनेस में फॉलो करते रहे। सो एक दिन अपलाइन के साथ बैठा और सिस्टम को समझा और तब से एक्शन शुरू किया। उस दिन से ना दिन देखा ना रात देखा, पूरा जुनून का सब काम किया। विद इन 3 मंथ मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव किया, आफ्टर देन सिल्वर रैंक, आफ्टर देन गोल्ड रैंक। ऐसे करते करते विद इन 1.5 साल का अंदर स्टार डायरेक्टर भी कम्प्लीट किया। फ्रेंड्स, स्टार कंप्लीट करने के बाद मेरे टीम में थोड़ा डाउनफॉल आया, उस लीडर बैठ गया। सो मुझे दोबारा कष्ट करना पड़ा, दोबारा फोर्स लगाया, टीम उठाया, उसके बाद डायमंड लेवल अचीव किया। 2014 दिसंबर में मेरा सपना का गाड़ी मारुति वैगनर फेस्टिस का अपन से लिया और उस दिन मेरा बेटे का जन्मदिन था। तब से ना धूप का प्रॉब्लम था ना बारिश का प्रॉब्लम था, क्योंकि बारिश आने मुझे गाड़ी किया। उस गाड़ी से पूरा जोश से जोर लगा के काम किया और विद इन 6 मंथ क्राउन डायरेक्टर भी अचीव किया। लेकिन क्राउन डायरेक्टर करने के बाद फिर भी दोबारा मेरे टीम में डाउन फॉल आया। मेरे टीम का आधा लीडर दूसरा कंपनी में चला गया। मेरे पूरा नया हिसाब से एक साल पूरा काम करना पड़ा, फिर स्ट्रगल किया, फिर टीम भया और 2018 में यूसीडी बैंक अचीव किया। ऐसे आगे जाते 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 नेक्स्ट मेरा जो सप्ताह का गाड़ी था स्कूल को S11 टॉप मेडल लास्ट 2020 जनवरी में अचीव किया। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टेबल फंड से मेरा टेबल पहला टेबलिंग था इंडोनेशिया बाली, उसके बाद फैमिली लेकर थाईलैंड बैंकॉक पटाया गया, उसके बाद सिंगापुर और करते करते बहुत सारा कंट्री हो गया। फर्स्ट से पहला इनकम था मेरा 285 रुपया, नेक्स्ट मंथ का इनकम था 500 रुपया, नेक्स्ट मंथ का इनकम था 9,500 रुपया। ऐसे करते 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 आज मेरा हाइस्ट पे आउट है 3 लाख पर मंथ। आज हम लोग बहुत खुश है क्योंकि हम दोनों एक साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है और खुश है इसलिए कि हमारा हर सपना पूरा हुआ है। हमारा सपना पूरा हुआ ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात ये है कि हमारा टीम का हर एक टीम मेंबर का सपना पूरा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं, बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं जिन्होंने वेस्टिस के जरिए कार अचीव किया, वेस्टिस के जरिए लाखों का इनकम ले रहा है, 10-20 हज़ार कमाने वाला बहुत सारे लोग है। और हम ये कहते हैं क्योंकि हम वेस्टिस के थ्रू बहुत सारे देश में कंट्री घूम के आए, बहुत एंजॉय किया, वेस्टिस सिस्टम को फॉलो करा हम लोगों ने। और उसके बाद वाले सर हमेशा कहते हैं कि आप सोचने का हिम्मत तो करो, वेस्टिस में मेरा सपना पूरा हुआ, आप लोगों का सपना भी पूरा होगा। थैंक यू वाले सर, थैंक यू वेस्टिस मैनेजमेंट, थैंक यू। सचमुच आज ट्रेवलिंग करते करते हम लोग पे इनकम आता है, आज हम लोग सक्सेस हो गया। थैंक यू माई अपलाइंस, थैंक यू ऑल द ऑनलाइंस, विश यू वेल।